हाँ भाई, सुनने में आया है कि लव कटारिया को बिग बॉस से निकाल दिया गया है, जो कि वोट के आधार पे नहीं निकला है। अभी तो वो वाला एपिसोड मैंने आज देखा नहीं है, देखूंगी पहले मैं। मेरा तो यही सुन के दिमाग ख़राब हो गया कि लव कटारिया निकल गया, जबकि अगर वो जीतता तो लव कटारिया ही जीतता। उसकी फ़ैन फॉलोइंग, उसका वोट इतना ज़्यादा होता कि वही जीतता, और किसी का जीतने का मतलब ही नहीं बनता। शिवानी कुमारी अगर वोट की गिनती होती तो वो भी अभी अंदर ही होती। विशाल पांडे वोट की गिनती होती तो वो भी अंदर ही होती। ये टीवी वाले और ये सारे अब तक निकल चुके होते, इनका कोई फैन बेस नहीं है। ठीक है, लव कटारिया को एक पूरी स्ट्रैटेजी के साथ निकाला गया। बिग बॉस की खुद की हवा टाइट हो गई कि लव कटारिया को रख देते हैं या निकाल देते हैं, तो उन्होंने निकाल दिया। क्योंकि मुझे लग रहा है बिग बॉस बायस्ड हो गया है, रणवीर शौरी या सना मकबूल जैसे किसी को जिताने वाला। और अगर साई केतन जीत गया, ये लास्ट सीजन, इसके बाद मैं कभी देखूंगी नहीं बिग बॉस, क्योंकि साई केतन तो बहुत ही बकवास है, वो विनर होना ही नहीं चाहिए। और रणवीर भी नहीं होना चाहिए, इतना घमंडी, इतना ज़्यादा घमंडी इंसान कैसे बिग बॉस जीत सकता है, बताओ कैसे। और दूसरी बात ये है कि मतलब वो शुरू से कहता आ रहा है मेरे पास काम नहीं है, ये नहीं हुआ, तो क्या स्ट्रैटेजी है क्या रणवीर को जिताने की, मेरे समझ में नहीं आ रहा। बस आप लोग बताओ कि क्या ये सब षड्यंत्र है। लव कटारे निकल गया, दुख तो मुझे लगा, लेकिन लव के सपोर्टर बहुत हैं। एल्विश की आर्मी से डर गया बिग बॉस।